गाइस काफ़ी सारे लोग जो इंस्टाग्राम प्ले स्टोर से अभी अपडेट कर रहे हैं उन्हें एक प्रॉब्लम आ रही है कि इंस्टाग्राम के अंदर वो स्टोरीज़ या रील्स वगैरह लगाते हैं तो उसे उन्हें वहाँ पर सेव करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक रील को लगाया अपनी स्टोरी पे और इसके बाद मैं सेव के वाले सेक्शन पर जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर सेव का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ड्रॉ का बस ऑप्शन मिल रहा है। पहले ड्रॉ का और सेव का दोनों का ऑप्शन रहता था बट वो अब हटा दिया गया सेव का ऑप्शन, यानी अब रील को आप बेसिकली सेव नहीं कर सकते। तो गाइस आज इस वाली वीडियो में मैं आपको इसी का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं और बेसिकली जो भी आप रील चाहते हैं उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़, अगर आपको कोई भी रील को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस थ्री डॉट्स पर टैप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिंक का ऑप्शन मिलता है, इसे कॉपी कर लेना है। जैसे लिंक कॉपी हो जाए आपको क्रोम ब्राउज़र पर जाना है और क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद आपको यहाँ पर न्यू टैप कर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है इंस्टाग्राम डाउनलोड रील। ठीक है, इस तरीके की रील डाउनलोड करके कुछ लिख देना है। इसके बाद आपको जो पहली वेबसाइट है ओपन करना है, यहाँ पर आपको लिंक पेस्ट करना है और सिंपली डाउनलोड कर लेना है। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है जी, ये हो गया। अब अगर आपको वही वाला ऑप्शन चाहिए यानी सेव वाला ही ऑप्शन चाहिए, आप अपना पुराना इंस्टाग्राम ही चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, दूसरा सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ मैं। तो आपको वापस इसके लिए क्रोम ही पे रहना है। यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन। इतना लिखने के बाद आपको सर्च करना है और यहाँ पर आपको जो वेबसाइट आएगी पहली उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे पुराने वर्जन्स मिलेंगे। तो आपको जब आप यूज़ करते थे, हमने लास्ट टाइम जब अपने इंस्टाग्राम को अपडेट किया था तो उस समय के आपको इंस्टाग्राम को मतलब सिलेक्ट कर लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं सितंबर 8 का सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं डाउनलोड पर टैप करता हूँ तो ईज़िली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड एनीवे कर देना है, डिटेल्स पर जाते हैं और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। इसमें गाइस जो आपको जो वो वाला वर्जन सेव वाला ऑप्शन जो चला गया था वो वापस मिल जाएगा, बट इसका भी एक फ्लॉ है कि आपको जो न्यू वर्जन से इंस्टाग्राम के जो न्यू फीचर्स हैं बेसिकली वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये बस एक इसका डिसएडवांटेज है, बाकी आपको वो सेव वाला फ़ीचर मिल जाएगा। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो। या इसका इससे भी मैं एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बताता हूँ, बट यार वो थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो सकता है क्योंकि कभी कभार जो मॉड एप्लीकेशंस रहती हैं उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम modapk और गाइस आपको इंस्टाग्राम मॉड का ओल्ड वर्जन डाउनलोड करना है। ओल्ड वर्जन से मेरा मतलब, अब देखो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ तो इससे होगा क्या कि अब मॉड एप्लीकेशन जो रहती है उसे आप इंस्टाग्राम के साथ में ही डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम भी रहेगा जिसमें आप न्यू फीचर्स को यूज़ कर रहे हो और एक मॉड एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लोगे जिसमें आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा कि कभी कभार आपको रील वगैरह को, जैसे आपने किसी का भी बर्थडे पोस्ट लगाया उसे सेव करना है तो उससे आप सेव भी कर सकते हो क्योंकि मॉड का पुराना वर्जन है। और अभी ये जो एप्लीकेशन, जो ऑफिशियल एप्लीकेशन होने के बाद भी जो इंस्टाग्राम का मॉड वर्जन है पुराना वाला जिसमें सेव का ऑप्शन है वो भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम मॉड करके कर देना और ओल्ड कर देना, यहाँ पे ओल्ड लिख दो ठीक है और सर्च कर लो। इतना करते ही आपको इंस्टाग्राम के पुराने ओल्ड वर्जन मॉड के जो हैं वो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये तीन सॉल्यूशंस बेसिकली मैंने आपको बता दिया। रिपोर्ट वगैरह आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, इंस्टाग्राम ने ऑब्वियसली खुद ही हटाया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे DM कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।